Hello student, I am Mixing, English teacher. Today I am going to teach you passive voice. इसका हमारा जो टॉपिक चल रहा है passive voice में, जैसे हमने हमें पता है different type के टॉपिक्स हैं, तो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर को, या फिर कह लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट को. तो बच्चे करना क्या है, बस आपको जिस टेंस में आपने स्ट्रक्चर याद किया आपको ऐसे इसमें भी याद करना है स्ट्रक्चर, फिर आप आसानी से कर दोगे passive voice. देखिए पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर बी और एम बी थर्ड और बाई सब्जेक्ट. अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये जो बी आ रहा है ना, बी आ रहा है आपका, बच्चे बी क्यों आ रहा है, क्योंकि बी में लॉजिक है. बी क्यों आ रहा है, बी में एक तर्क है जो बी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं बता दूँ आपको ये जो विल सेल क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं. ओके तो मॉडल वर्ब की मजबूरी क्या, हमने आपको बताया था मॉडल, अगर आप मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, अगर मॉडल वर्ब आप लोग यूज कर रहे हैं तो बेटा आपको करना क्या होता है, मॉडल वर्ब के बाद में आपको एम बी फर्स्ट लगाना कंपलसरी होता है. ठीक है तो हमको एम बी फर्स्ट चाहिए, क्या चाहिए, एम बी फर्स्ट, और पैसिव के लिए क्या चाहिए, एम बी थर्ड चाहिए. अब दोनों की नीड अपनी अपनी नीड है, दोनों की डिमांड है, तो दोनों की पूरी करनी पड़ेंगी. तो हम लोग बेटा मॉडल की डिमांड करने के लिए इसमें हमने बी लगाया है, ऐसा कुछ नहीं कि बी को ऐसे फालतू में रख दिया गया है, उसकी जरूरत है बी की. बी को हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं एम बी फर्स्ट, यहाँ पे समझ में आया. देखिए ऑब्जेक्ट विल सेल बी एम बी थर्ड और बाय सब्जेक्ट, ओके. अब नेगेटिव में आप जाएंगे तो बच्चे आपको करना क्या है, आपको बस नॉट पुट करना है विल सेल के बाद में, क्योंकि यही आपकी एच बी है. बी यहाँ पे क्या आपका एच बी नहीं है, ये आपका एम बी है, एम बी के ग्रुप में काम कर रही है बी, समझ में आ गया. अब इंट्रोगेटिव बात कर लेते हैं, तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले रखना है, फिर आपको सेल या विल में से एक लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको नॉट पुट करना है, फिर आपको बी, फिर एम बी थर्ड और बाई सब्जेक्ट. ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स. अब देख लीजिए एग्जांपल्स, जैसे मान लो कि ही विल किल अ बर्ड, वह एक बर्ड को मारेगा, तो अब इसको पैसे में करना है. तो पहले हमने कहा था आपको, देखिए आप पैसे कर रहे हैं तो बेटा देखिए लास्ट में आपको ये लेके आना है, ये हमारा रूल कह रहा है, देखो ये हमने उठाया ऑब्जेक्ट आ बर्ड, आ बर्ड विल सेल, आप जानते हैं आई और वी सेल लगाते हैं, बाकी विल लगाते हैं, तो विल आएगा अ वर्ड विल, फिर क्या आएगा बी, बी तो बी, एम बी थर्ड किल का एम बी थर्ड क्या होता है किल्ड, बाई एजेंट आ गया बाई, फिर आपका हो गया ही को हिम. मैंने कहा था जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो आपके खासकर जो आपके नॉमिनेटिव केस हैं, जो कर्ता कारक और कर्म कारक में बदलते हैं, नॉमिनेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं. ठीक है बच्चे देखिए नेगेटिव में करना क्या है, नेगेटिव में आपको बस नॉट लगाना है, कहाँ पे, इसके बाद में, जैसे मान लो कि इसमें नॉट होता तो आप यहाँ पे नॉट लगाते इसमें, यहाँ पे नॉट विल सेल के बाद में, बाकी सेम रहता. ओके और इंटीग्रेटिव में करना है कि आपको बस ये करना है, आपको जो डब्ल्यू एच वर्ड है उस पहले लेके आना है, सबसे पहले जैसे टेंस में करते हैं आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपका ही आ गया, फिर आपकी एच बी, ये आपकी ना विल सेल एच बी है, ये आपकी मॉडल एच बी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर नॉट यदि हो तो, फिर बी एम बी थर्ड और बाई सब्जेक्ट, लास्ट में आपका ये कंपलसरी होता है क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ क्वेश्चन. ठीक है ये साइन आपका कंपलसरी होता है लास्ट में लगाना, या आप टेंस करते हो तो कुछ भी कर लीजिए, जिसमें सवाल करता है तो लगाना कंपलसरी है. देखो एग्जाम्पल, वाई विल सी नॉट लर्न हर लेसन, अभी ये हो गया. तो देखिए पहले हमको ये बेटा ये रखना है, सबसे पहले ये रख दिया हमने डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है ये वही आ गया, फिर आपको विल सेल में से रखना है तो विल. अब देखिए हर लेसन है तो बेटा ये साथ में रहेगा, जो आपके पजेसिव केस है वो चेंज नहीं होंगे, समझ में आया, जो आपके पजेसिव केस, जैसे मान लो कि माई माई है तो बेटा वो माई माई ही रहेगा, ठीक है आबर आबर ही रहेगा पैसिव में, समझ में आया, उसको ऐसे नहीं करेंगे कि चेंज कर दें, आबर आबर जाएगा, क्योंकि बेटा ये साथ में नाउन को लेके आते हैं ना, जैसे माई बुक, तो बुक आपका कॉमन नाउन है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसको चेंज कर दें, ठीक है हो गया. तो वाई विल हर लेसन नॉट बी लर्नड बाई हिम बाई हर, क्योंकि ये सी है ना, तो उसको हर हर में चेंज कर देंगे. देखिए लास्ट में हर लिखा हुआ, तो ये आपका हो गया सिंपल
फ्यूचर। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।